शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन लगाम लगाने की तैयारी में है। अगले एक माह के अंदर लगभग 8 कॉलोनियां एनफोर्समेंट के निशाने पर है। पिछले दिन कुछ दिनों पहले भोंडसी में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान 25 से अधिक मकानों को तोड़ा गया था। साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वाले डीलरों और बिल्डर के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार की लोगों से अपील है कि वे लोग सस्ते घर के चक्कर में पड़कर डीलरों के झांसे में न आए। ये कॉलोनियां पूरी तरह से अवैध हैं। इस प्रकार की कॉलोनियों के लिए टाउन और प्लानिंग की तरफ से कोई CLU नहीं दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बस अड्डे व बसों पर प्रॉपर्टी डीलर इस प्रकार के लोग अभी तक विभाग अनऑथराइज कॉलोनी पे जो एक्शन लेता था उसमें जनरली डिटेक्शन जब होती थी, डिटेक्शन के बाद हम उसका मेनली रोड नेटवर्क और DPC लेवल या जो लोग भी बाउंड्री वॉल बनाते थे हम वो तोड़ देते थे, और उससे पहले अगर कोई उसमें रहते थे तो हम उसको ऑन दी ह्यूमन ग्राउंड हम नहीं तोड़ पाते थे, क्योंकि इवैक्यूएट कराना और मकान तोड़ना, सारा सामान निकालना थोड़ा सा वो टीडियस प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम वो कर नहीं पाते थे। लेकिन अब सरकार के थोड़े सख्त आदेश हैं तो उसमें अब हमें ये है कि जितने भी मकान बन जाते हैं जिनमें रूफ एटलीस्ट कास्ट हो जाती है उस लेवल तक हमें तोड़ने हैं, और अब हम तोड़ेंगे उनको। जैसा कि हमने लास्ट ड्राइव में बॉन्सी एरिया में हमने अराउंड 25 मकान ऐसे जो थे रूफ लेवल पर हमने तोड़ दिए हैं, और आगे भी ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं गुड़गांव में उन सभी में हम लोग टिल रूफ लेवल सारे मकान तोड़ेंगे। हमारा मेन फोकस भोंडसी, नया गांव और उसके आसपास जो और गांव हैं, मेन सोना में मंडावर है वहां पर है, साढ़राणा, घड़ीहर सरू, फरुखनगर, कालियावास, ये हमारे कुछ मेन एम्फेसाइज रहेगा जहां पर अनऑथराइज कॉलोनेशन ज़्यादा आती है।